नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 Power वर्सेस Tecno Camon 19 Neo का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10 Power में 6.67 इंच जबकि Camon 19 Neo में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10 Power से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10 Power में 3.01 इंच जबकि Camon 19 Neo में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10 Power में 0.36 इंच जबकि Camon 19 Neo में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10 Power में 203 ग्राम जबकि Camon 19 Neo में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi 10 Power में 20:6:9 जबकि Camon 19 Neo में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10 Power में 6.71 इंचेस जबकि Camon 19 Neo में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10 Power में 720x1650 और Camon 19 Neo में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10 Power में 82.58% जबकि Camon 19 Neo में 84.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10 Power में 268 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Camon 19 Neo में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10 Power में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 19 Neo की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में QVGA देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 10 Power में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Camon 19 Neo की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10 Power में Adreno 610 जबकि Camon 19 Neo में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10 Power में Qualcomm Snapdragon 680 और Camon 19 Neo में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10 Power में 8GB जबकि Camon 19 Neo में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 10 Power में Android V11 जबकि Camon 19 Neo में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10 Power में 6000 mAh जबकि Camon 19 Neo में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10 Power में 2 कलर्स जबकि Camon 19 Neo में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10 Power 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Camon 19 Neo की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10 Power में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है,
जबकि बात करें टेक्नो कैमन 19 नियो की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 पावर आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Redmi 10 पावर आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A54 है, दूसरा Realme 9 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M32 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।